गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया राजकीय महाविद्यालय बूंदी बच्चों आज हमारे मास स्पेक्ट्रा का जो लास्ट दो टॉपिक हमारे बच्चे हैं एक तो हेलोजन कंपाउंड में किस तरह से फ्रेगमेंटेशन होता है दूसरा नाइट्रो ग्रुप यदि जुड़ा हो तो हमारा फ्रेगमेंटेशन पैटर्न कैसा होगा इस पर आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो मोलिकुलर आयन पीक होती है हेलोजेंस के अंदर हमें एम प्लस टू पीक भी नज़र आती है अब ये एम प्लस टू पीक इनके आइसोटोप्स की वजह से होती है यदि हम क्लोरीन की बात करें तो जो इसका रेशियो होता है वन रेस टू थ्री होता है और बच्चों अपने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि वन रेस टू थ्री क्यों होता है क्योंकि नेचुरली जो इनकी अक्रेंस है या हम ये बोलेंगे दूसरे शब्दों में यदि हम ये बोलें कि प्रकृति में हमें जितनी मात्रा में मिलता है उसी के आधार पर उसकी हमें मोलिकुलर आयन पीक मिलती है तो हमारी जो हमने उस वक्त भी इसको डिस्कस किया था कि वेस्ट टू थ्री आ, हमें क्लोरीन के केस में हमें देखने को मिलती है मोलिकुलर आयन पीक इसी तरह से बच्चों यदि मोनोब्रोमो कंपाउंड है तो हमें जो एम प्लस टू पीक मिलेगी क्लोरीन में तो हमने वन रेस टू थ्री की बात करी थी मगर यहाँ पर हमें जो पीक मिलेगी वो वन रेस टू वन मिलेगी और यदि हम इनका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखें तो यहाँ पर बच्चों आप ये देखिए कि यहाँ पर अल्फ़ा क्लीवेज हो रहा है और अल्फ़ा क्लीवेज में आप ये देखिए कि दो कंडीशंस हैं फर्स्ट ये है कि एक के अंदर तो आपका एक्स निकल के जा रहा है तो जो आपका अल्काइल ग्रुप है उसकी वजह से हमें पीक देखने को मिल रही है दूसरा ये है कि आपका जो आर ग्रुप है यहाँ से जुड़ गया और हमें सी एस टू एक्स की वजह से पीक देखने को मिलती है बच्चों ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पीक है अब यदि हम इसका सिंपल सा एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है कि इन द मास स्पेक्ट्रम इथाइल क्लोराइड की यदि हम बात करें तो हमें जो पीक मिलती है 64 और 66 के अराउंड मोलिकुलर आयन पीक एम प्लस और एम और एम प्लस टू पीक जो मिल रही है वन एस टू थ्री के उसमें मिल रही है और सी एल ग्रुप के लॉस से हमें जो बेस पीक मिल रही है ट्वेंटी नाइन के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है सेकेंड एग्जाम्पल यदि हम इथाइल ब्रोमाइड का लें तो बच्चों सिमिलर है यहाँ पर सी एल की जगह बी आर आ गया तो हमें ये पता है कि जो एम प्लस टू पीक है उसकी इंटेंसिटी लगभग बराबर होगी और सेवेंटी नाइन का लॉस होने पे ट्वेंटी नाइन के अराउंड हमें पीक देखने को मिलेगी जो कि सी एस थ्री सी एस टू की, की वजह से होगी अब हम सिंपल uh, सा एन एल्काइल हैलाइट का फ्रेगमेंटेशन पैटर्न बच्चों यहाँ पर अपन देखते हैं जो इसका जनरल फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है तो आप ये देखिए कि एच एफ और एच सी एल का यहाँ पर लॉस हो रहा है आप यहाँ पर देखिए तो बच्चों यहाँ पर आर सी एच सी एस टू यानी कि ये जो एक्स है इस वाले हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को ले लेगा यहाँ से और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ का एक आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा तो आपका जो एच सी एल एच एफ जो भी है एक्स आपका जो भी है वो हो जाएगा और आपको जो पीक मिलेगी वो इसकी वजह से मिलेगी अब सेकंड फ्रेगमेंटेशन आप यहाँ देखिए यहाँ आर सी एस टू ग्रुप का लॉस हो रहा है और मैं सी एस टू डबल वन एक्स की वजह से पीक मिल रही है जो अपन ने कहा था कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पीक है इसी तरह से बच्चों बच्चों यदि एक्स का लॉस होता है यानी आपका कोई भी हेलोजन निकल जाता है तो आपको जो कार्ब कार्बकेटाइन बना है उसकी वजह से पीक देखने को मिलती है अब कई बार बच्चों यदि लॉन्ग चेन है तो क्लोरीन और यदि बी यदि प्रजेंट है ब्रोमाइड प्रजेंट है तो उस कंडीशन में बच्चों इस तरह का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनता है और उसकी वजह से भी हमें पीक देखने को मिलती है अब अपन सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों फ्रेगमेंटेशन को समझने के लिए हमने वन ब्रोमो हैगजीन की बात यहाँ कर रहे हैं अब यहाँ पर आप बच्चों फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखिए फर्स्ट आप यहाँ पर देखिए कि आपकी एक साइक्लिक रिंग बन रही है वन टू थ्री फोर कार्बन अब सी एस टू सी एस थ्री का यहाँ पर लॉस हो गया तो 135, 137 बच्चों दोनों आइसोटॉप्स हैं तो दोनों की वजह से हमें पीक देखने को मिलेगी तो हमें दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा अभी जब हम स्पेक्ट्रा देखेंगे तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर हमने 135 या 137 दोनों क्यों लिखा है इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि यदि दे बी का लॉस होता है तो हमें एटी के अराउंड पीक मिलती है और इसी पीक में बच्चों यहाँ पर देखिए क्लीवेज हो जाता है बीच में से तो हमें फोर्टी के अराउंड बेस पीक देखने को मिलेगी यहाँ से अब यहाँ पर भी बच्चों देखिए यहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन पैटर्न में आप यहाँ पर देखिए यदि एक पैटर्न ये दिया हुआ है कि जो सी एस टू सी एस टू बी आर का लॉस हो रहा है उसकी वजह से भी हमें ये टू डिग्री कार्प पैटर्न का मिलता है और फोर्टी थ्री के अराउंड हमें बेसपिक देखने को मिलती है अब इसका स्पेक्ट्रा देखिए बच्चों हमने बात करी थी कि हमें एम और एम प्लस टू पीक देखने को मिलती है तो देखो यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी लगभग इक्वल है तो हम यहाँ ये यह मान के चलेंगे जो इसमें हेलोजन जुड़ा हुआ है क्योंकि एम प्लस टू जो पीक है बच्चों वो स्पेसिफिक हेलोजन्स के लिए होती है और यहाँ आप ये यह देखिए कि इसकी इंटेंसिटी लगभग इक्वल है तो हम ये मान के चलेंगे पहला स्पेक्ट्रा देखने के बाद ही जो हमें चीज़ जो समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि जो इसमें अल्काइल ग्रुप के साथ में जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वो बी है अब बच्चों यहाँ देखिए आप वन थर्टी फाइव वन थर्टी सेवन के अराउंड पीक मिल रही है लेकिन जो हमारी बेस पीक है वो फोर्टी थ्री के अराउंड है जो सेकेंडरी कार्पेटाइम जो हमारा है उसकी वजह से हमें देखने को मिलती है अब सेकेंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं वन ब्रोमो प्रोपेन का अब वन ब्रोमो प्रोपेन में भी बच्चों आप देखिए कि हमें कार्पे टाइम की वजह से 43 के अराउंड एक पीक देखने को मिल रही है और देखिए यहाँ पर भी जो हमारी बेस पीक है सॉरी मोलिकुलर आयन पीक है उसकी जो इंटेंसिटी है लगभग इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारा बी यानी ब्रोमीन ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है अब सी <coughs> की यदि हम बात करें यदि हमारा हेलोजन अभी अपने बी की बात करी थी अभी अभी उसकी जगह रिप्लेस करके सी यदि जुड़ा हुआ हो तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमने जो सी लिया है उसमें आप ये देखिए कि यहाँ पर हमने देखिए आइसोटोप टोप यहाँ पर बिल्कुल बताया जा रहा है या थर्टी फाइव है या थर्टी सेवन है और यहाँ सेवेंटी एट के अराउंड और यहाँ एटी के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है इसका जब अल्फा क्लीवेज होता है यहाँ से तो बच्चों यहाँ पर हमें फोर्टी थ्री के अराउंड पीक देखने को मिलती है और बच्चों ये हमारी बेस पीक होती है आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर बच्चों बेस पीक फोर्टी थ्री के अराउंड कारपेट सेकेंड्री कारपेटैंक की वजह से हमें देखने को मिल रही है और ये पीक हमें हाइड्रोकार्बन में भी देखने को मिली है पर बच्चों यहाँ डिफरेंस मोलिकुलर आयन पीक से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें एम प्लस टू पीक मिल रही है और वही एम प्लस टू पीक ये बताएगी कि इसमें जुड़ने वाला ग्रुप जो है इसमें अल्काइल हेलाइट जुड़ा हुआ है अब बच्चों यहाँ ये यह देखिए कि यदि अल्फा क्लीवेज हो यानी कि यहाँ पे से सी एस निकले ये यह देखिए यहाँ से यदि क्लीवेज हो तो हमें 63 और 65 के अराउंड भी पीक देखने को मिलती है अब ये इसका स्पेक्ट्रा है बच्चों देखो बिल्कुल क्लियर स्पेक्ट्रा है वन रेस टू थ्री और बल्कि हमें बी में वन रेस टू वन की पीक देखने को मिल रही है बच्चों यहाँ देखो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सी है और आप ये देखिए सारी पीक्स में आपको ये डिफरेंस भी नज़र आएंगे 43 के अराउंड बच्चों हमें यहाँ पर भी इस पीक देखने को मिल रही है जो कि हमारा जो टकेंडरी कार पैटर्न का बना है उसकी वजह से देखने को मिल रही है अब बच्चों यहाँ हमने टिपिकल एग्जाम्पल लिया है कार्बन क्लोराइड का सिंपल सा स्पेक्ट्रा है आप यहाँ देखिए फर्स्ट जो आपकी मोलिकुलर आइन पीक है वो आपको वन रे टू थ्री में मिल रही है अब उसके बाद आप यह देखिए 82 के अराउंड आपको जो पीक मिल रही है वो आपका एक सी के लॉस होने पे मिल रही है यहाँ पर आपका दूसरा सी के लॉस होने पर मिल रही है यहाँ पर सी की वजह से पीक मिल रही है अब यदि हम हैलाइट्स की बात करें तो सिंपल सा बच्चों एरोमेटिक जितनी भी हमने कंपाउंड्स देखे हैं उनमें सिमिलर पैटर्न देखा है अब आप यहाँ पर देखिए कि जो आपकी बेंजिन रिंग के साथ आपका जो एक्स जुड़ा हुआ है जैलोजन जुड़ा हुआ है उसका लॉस होता है तो हमें सेवेंटी सेवन के अराउंड एक पीक देखने को मिलती है जिसमें से बच्चों वही पैटर्न है आप ये देखिए कि वही सी एस एथलिन ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और फिफ्टी वन के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है इसी तरह से यदि अपने अल्कोहल के केस में भी देखा था बच्चों की यहाँ से यहाँ से सी निकल जाएगा वहाँ ओ OH एच निकल रहा था और ये जो नाइन्टी के अराउंड पीक मिली है ये हमें ट्रोपोलियम आयन की वजह से देखने को मिलती है अब आप यहाँ देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल बच्चों यहाँ हमने लिया है एम प्लस वन और एम प्लस टू पीक को समझने के लिए ट्वेंटी नाइन के अराउंड आपको पीक देखने को मिल रही है बेस पीक और एम वन और एम प्लस टू पीक में हमें ये बहुत अच्छा सा यहाँ पे बच्चों देखो इस स्पेक्ट्रा में आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है और इस, इस स्पेक्ट्रा को रखने का रीजन ही मेरा यही था कि आपको पीक का समझ में आए अब बच्चों ये देखिए आपने वहाँ पर पीक देखी अब यहाँ देखिए सिमिलर कंपाउंड है और यहाँ पर आपको जो पीक देखने को मिल रही है एम प्लस टू पीक इसकी जो इंटेंसिटी है लगभग इक्वल है ये है आपका इथाइल ब्रोमाइड का स्पेक्ट्रम अब यदि टू सी एल ग्रुप प्रेजेंट है तो बच्चों यहाँ आप देखिए स्लाइटली डिफरेंस मिल रहा है यहाँ आपको एम प्लस फोर पीक भी देखने को मिलती है और फोर्टी नाइन के अराउंड आपको पीक देखने को मिल रही है जबकि आपके एक सी एल का लॉस होता है तो हमें फोर्टी नाइन के अराउंड भी पीक देखने को मिलती है जो हमारी बेस पीक होती है अब बात करते हैं बेटो बच्चों नाइट्रो कंपाउंड्स की नाइट्रो कंपाउंड्स में द मोलिकुलर आयन पीक इन एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड इज़ यूजुअली एब्सेंट यानी कि यदि हम एलिफेटिक की बात करें तो वहाँ हमें मोलिकुलर आयन पीक नज़र नहीं आती है मगर एरोमेटिक कंपाउंड में हमें बहुत अच्छे से दिखाई देती है यदि हम एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात करें जो हमारा सेकेंड पॉइंट है तो हमें जनरली सिग्नल्स मिलते हैं वो मिलते हैं हमें एनओ no प्लस और एनओ टू प्लस की वजह से और यदि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें नाइट्रो कंपाउंड की बात करें तो भी हमें एन no ओ की वजह से एनओ no टू की वजह से एनओ no की वजह से हमें पीक्स देखने को मिलती है इफ हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप इज़ ऑल्सो प्रजेंट ऑर्थो टू द नाइट्रो ग्रुप अब बच्चों यहाँ देखिए कि यदि कोई हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप जुड़ा है ऑर्थो पोजिशन पे नाइट्रो की तो हमें एम ओ एच पीक भी हमें देखने को मिलती है अभी अपन इसको आप फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखेंगे तो ये चीज़ हमें समझ में आएगी अब यदि हम एरोमेटिक की बात करें बच्चों वही सिमिलर पैटर्न मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखिए कि एक फ़र्स्ट फ्रेगमेंटेशन पैटर्न में क्या हो रहा है कि फर्स्ट पीक तो हमें सेवेंटी सेवन के अराउंड मिल रही है जबकि आपका यहाँ पे एन ओ टू का लॉस हो रहा है सेकंड वही सी एच सी टू एच टू का लॉस होता है तो हमें फिफ्टी वन के अराउंड पीक देखने को मिलती है जो स्पेसिफिक एरोमेटिक सिस्टम की पीक्स हैं अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जो एनो ग्रुप है इसमें से यदि सिर्फ एनो ग्रुप का लॉस होता है तो हमें 93 के अराउंड पीक मिलती है यदि एनो के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हमें थर्टी के अराउंड भी कुछ पीक देखने को मिलती है और इसके बाद में यहाँ से यदि सी निकलता है तो बच्चों इस फाइव मेंबर रिंग की वजह से 65 के अराउंड हमें एक पीक देखने को मिलती है अब हमने वहाँ बच्चों बात करी थी कि यदि ऑर्थो पोजिशन पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास हाइड्रोजन है तो अब यहाँ पे उस चीज़ को समझिए आप कि ये पूरा है मोलिकुलर आयन पीक हमें 137 के अराउंड देखने को मिल रही है अब इसमें से बच्चों यहाँ वाटर का लॉस हो रहा है H2O का यहाँ पर लॉस हो रहा है इसकी वजह से सॉरी ओ एच का यहाँ पर लॉस हो रहा है इसकी वजह से हमें 120 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है वहीं बच्चों यहाँ पर देखिए आप कि आपका यहाँ पर सी ग्रुप का लॉस होगा और 92 के अराउंड हमें एक पीक देखने को मिलती है अब ये सिंपल सा एग्जांपल लिया है बच्चों हमने एलिफेटिक मैंने बात करी थी कि आपके जो मोहल्ल और आयन पी के देखो यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है चूंकि बच्चों यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन है यहाँ पे एनोटो पूरा निकल जाता है तो फोर्टी के अराउंड हमें बेस पीक देखने को मिलती है अब बच्चों ये बात हुई अब आप यहाँ डिफरेंस देखिए एरोमेटिक सिस्टम में यहाँ पर हमें मोलिकुलर आयन पीक देखने को मिल रही है और 77 के अराउंड यहाँ पर भी एनओ के निकलने के बाद 77 के अराउंड हमें बेस पीक देखने को मिलती है अब बात आती है बच्चों एलिफेटिक नाइट्राइल्स की अब एलिफेटिक नाइट्राइल्स में द मोलिकुलर आयन पीक ऑफ एलिफेटिक नाइट्राइल इज वीक और मे बी एब्सेंट मतलब कुछ कंडीशन में तो आपको दिख जाएगी मगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी मोलिकुलर आयन पीक है वो दिखाई ही न दे अब इसमें बच्चों सेकंड जो पॉइंट है इसमें हमें एम माइनस वन पीक बच्चों हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जैसे अल्कोहल का भी देखा है अमीन में भी देखा है कि हमें वहाँ पर एम माइनस वन पीक देखने को मिलती है एक हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है तो यहाँ भी बच्चों हमें एक एम माइनस वन पीक देखने को मिलती है कि यदि अल्फ़ा हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है तो हमें एक स्टेबल आयन मिल जाता है जिसकी वजह से हमें एम माइनस वन पीक देखने को मिलती है द बेस पीक ऑफ स्ट्रेट चेन नाइट्राइल बिटवीन सी फोर एंड सी नाइन इज़ फोर्टी वन यानी कि यदि हम स्ट्रेट चेन की यदि बात करें जबकि सी फोर या सी नाइन तक की जो चेन होती है कार्बन की उस कंडीशन में जो हमारी बेस पीक होती है फोर्टी वन के अराउंड हमें देखने को मिलती है और यहाँ बच्चों इसका फ्रेगमेंटेशन को समझने की कोशिश करिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ गए यहाँ से यहाँ गए और आपका फ्रेगमेंटेशन में यहाँ हो रहा है और ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक पीक है जो आपको दिखाई देगी और यही हमारी बेस पीक होगी अब बच्चों यदि लॉन्ग चेन है उस कंडीशन में क्या हो रहा है हमें 97 सेवन के अराउंड भी कैरेक्टरिस्टिक और इंटेंस पीक देखने को मिलती है और वो किस वजह से देखने को मिल रही है बच्चों यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब यहाँ आर सी एस टू ग्रुप का लॉस हो रहा है कितनी मेंबर रिंग बन रही है बच्चों यानी यहाँ से क्लीवेज होगा और आपको 97 के अराउंड एक पीक देखने को मिलेगी यदि हम इसका स्पेक्ट्रा देखें बच्चों देखो मैंने बात करी थी 41 के अराउंड हमें बेस पीक देखने को मिल रही है और 96 के अराउंड बहुत ही रेयर केस में हमें ये पीक देखने को मिलती है अब बच्चों यदि एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो 103 पे हमें बहुत इंटेंस हम ये बोलेंगे कि बेस पीक जो हमारी है मॉरिकुलर आयन पीक है फिर हमें 76 के अराउंड एक पीक देखने को मिल रही है और 77 के अराउंड भी हमें पीक देखने को मिलती है बच्चों ये तो बात हुई कि हमारा जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न था हर कंपाउंड का हर फंक्शनल ग्रुप का हम सिंपल हाइड्रोकार्बन्स की बात करें या हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करें या उनसे जुड़े हुए सब्सिट्यूटेड ग्रुप्स की बात करें तो हमने थोड़ा स्लाइटली वेरिएशन देखा है हर कंपाउंड के साथ में उसकी जो बेस पीक है उसमें भी वेरिएशन देखा है और यदि हमें कहीं सिमिलर बेस पीक नज़र आ रही है तो हमें मोलिकुलर आयन पीक में डिफरेंस देखने को मिलता है तो बच्चों यहाँ पर आपका मास स्पेक्ट्रा पूरी तरह से ख़त्म होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं धन्यवाद